तो आज हम करने जा रहे हैं सोनी का ये कैमरा है ZV-E10 इसका रिव्यू। तो आप ये देख सकते हैं ये कैमरे का मॉडल नंबर ZV-E10, ये सोनी का कैमरा है। तो इसका पूरा अनबॉक्सिंग करेंगे हम। इसके साथ मुझे 64GB कार्ड भी मिला है और ये रहे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो आप देख सकते हो यहाँ पे। तो आप इसका ये स्पेसिफिकेशन देख सकते हो, ये कैमरा बहुत ही अच्छा है वीलॉगिंग के लिए और इंडोर वीडियो यूट्यूब का रिकॉर्ड करने के लिए, और ये इंटरचेंजेबल लेंस के साथ आता है। तो बॉक्स के साथ ही मुझे इसमें मिलता है ये कुछ मैनुअल, ये जी मास्टर लेंस का बारे में कुछ डिस्क्रिप्शंस है, सबसे पहले बात करते हैं ये क्या है, ये माइक के ऊपर जो मफलर लगता है वो है, ये पावर कॉर्ड है, ये रही इसकी बैटरी, ये पावर अडैप्टर चार्ज करने के लिए, ये इसका स्ट्रैप सोनी का, और यहाँ पे एक USB-C केबल मिलता है, नॉर्मल USB-C केबल। और फिर ये हमारा कैमरा फाइनली जिसको हम बाहर निकालते हैं। तो ये रहा हमारा कैमरा सोनी का। तो आप ये देख सकते हो ये इंटरचेंजेबल लेंस के साथ आता है, ये लेंस चेंज हो सकता है हमारा। तो ये देखिए ZV-E10 कैमरा, तो पूरा फोकस हो गया। अभी मैं इसको अपने पुराने निकॉन D5200 से शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। तो आप ये देख सकते हो ये पूरा फुल कैमरा बहुत ही बढ़िया 4K रिकॉर्डिंग के साथ आता है, सुपीरियर क्वालिटी हमें इसमें मिलती है। तो अनबॉक्सिंग में आप देख सकते हो मुझे इसमें एक कैमरा मिला है प्लस USB-C टाइप केबल, पावर कॉर्ड चार्ज करने के लिए उसको, और ये उसकी बैटरी होगी, प्लस ये माइक के ऊपर लगता है जो इसका इनबिल्ट माइक है उसके ऊपर ये विंड शील्ड लगता है, फिर ये स्ट्रैप है प्लस कुछ मैनुअल्स। तो ये रहा पूरा इसका अनबॉक्सिंग वीडियो, और इसके साथ ही हम इसमें बहुत सारी चीज़ें लाएंगे आगे भी। तो ये रहा मेरा ZV-E10 का रिव्यू अनबॉक्सिंग का।